नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुद्रा मेहता और आज का जो मेरा वीडियो है वो कोरोना का एक्सपीरियंस के लिए है एज अ कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट बिफोर 15 to 20 days। अभी मैं अच्छी खासी रिकवर हो गई हूँ, तो मेरी ये जो जर्नी थी वो कैसी थी उसके बारे में मेरा ये वीडियो है। सो फ्रेंड्स, वैसे ज़्यादा मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। मम्मी को हुआ था, मतलब 18th of August को से उनको थोड़ा सा बुखार आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा कफ आना स्टार्ट हो गया, एकदम वीकनेस सा लगने लगा उनको। तो हमने सोचा कि ऐसा तो मम्मी को कभी हुआ नहीं है, तो हमने हमारे फैमिली डॉक्टर से बात की और फैमिली डॉक्टर ने जो भी उनकी मेडिसिन थी वो दे दी, एरिथ्रोमाइसिन और पैरासिटामोल दिया और विटामिन सी और ई लेने के लिए बोला। तो वो तो मम्मी जो है वो थोड़े टाइम से ले ही रही थी, तो आई थिंक वो हेल्प आया होगा उनको जो इतने टाइम से ले रही थी एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। तो उसके बाद 2-4 दिन हो गए दवाई लिए हमने, पर तो भी मम्मी को ठीक नहीं हो रहा था। तो हम डर गए, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो डायबिटिक है, तो हम लोग डर गए कि इतना ठीक नहीं हो रहा है तो मे बी कोरोना हो सकता है। तो इसके लिए हमने सबर्बन डायग्नोस्टिक में कॉल किया, उनको हम लोग ने बुलाया स्वाब टेस्ट के लिए। वो लोग ने हमारा आधार कार्ड चेक किया ताकि वो लोग बिल्डिंग में इन्फॉर्म कर सके इफ़ इन केस इट इज़ पॉजिटिव। तो वो आए और उन्होंने मम्मी का स्वाब टेस्ट किया नोज़ एंड थ्रोट से। तो थोड़ा सा स्कैरी था, बट उतना डरावना भी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। वो बस हल्का सा एक गुदगुदी होती है, जैसे कोई मस्किटो या ऐसा कुछ बैठता है, तो बस उसी टाइप का है, उसमें कुछ डरने जैसी बात नहीं थी। तो बस नेक्स्ट डे विदिन 30 hours मम्मी का रिपोर्ट आ गया एंड इट वॉज पॉजिटिव। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए, क्योंकि डायबिटिक कोरोना पॉजिटिव आना मतलब एक डरावनी बात है कि अभी आगे क्या होगा, क्या उनकी बॉडी फाइट कर पाएगी कि नहीं। तो वी टुक अ डिसीजन वेरी हेस्टिली कि अभी हमें मम्मी को कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो वैसे हमारा जो एरिया है थाने डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर होम क्वारंटीन बंद हो गया है अभी, और वैसे भी शी इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा या तो क्वारंटीन सेंटर में, तो लेकिन हम घर में नहीं रख सकते, ये अभी थाने का रूल आ गया है। तो उसके वजह से MBMC वालों का बहुत ही ज़्यादा कॉल आने लगे कि हम कब आए मम्मी को लेने, बट हमने बोला कि नहीं, हमें मम्मी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं एडमिट करना है, हम लोग उनको प्राइवेट में एडमिट करेंगे। तो भी जो हम लोग ने चूज़ किया वो कार्ड हॉस्पिटल। तो मम्मी जो है वो नेक्स्ट डे चली गई थी हॉस्पिटल, एम्बुलेंस लेने आई थी उनको, और वो हॉस्पिटल में ICU में एडमिट हुए थे 3 to 4 days के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, उनका ऑक्सीजन जो है वो 84-85 तक गिर रहा था। तो हमें उनका कोई रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि उनको ब्रीदिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, एक्सरे के बाद पता चला था कि चेस्ट में भी काफ़ी कफ है, तो अगर हम रिस्क लेते तो शायद कुछ और हो सकता था। तो इसके लिए हमने उनको ICU में एडमिट कर दिया 3-4 दिन के लिए, और वहाँ तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग कंटिन्यूस जो हॉस्पिटल का रिसेप्शन था वहाँ पे हम लोग कॉल करते रहते थे दिन में 3-4 बार, और मम्मी से कुछ इंटरकॉम या ऐसा बात हो पाती थी कभी कभी। तो इस तरह से हम लोग घर में थे, और जब हम लोग घर में थे, जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, तभी हमको भी थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा आने लगा, हमको भी, मतलब मुझे और मेरे भाई को, और मेरी भाभी को नहीं था, और हमारे साथ एक मेड रहती है उसको भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा वीकनेस लगने लगा, थोड़ा सा सोर थ्रोट हो गया था, टेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब 10-20% जो मेरा टेस्ट था वो कम हो गया था। तो उसके बाद मेरा फ्रेग्रेंस भी, मतलब जो नोज़ का बर्ड्स रहते हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे, ना ही मैं खुशबू ले पा रही थी, ना ही कुछ खा पा रही थी अच्छे से। यही सेम चीज़ हो रही थी मेरे भाई के साथ। तो हम लोग को भी लगा कि मे बी हो सकता है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही सामने से MBMC वालों को कॉल करते कि भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि पॉजिटिव है कि क्या है। तो MBMC वाले बोले कि आपके मम्मी को गए अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो आपको 6 दिन के बाद टेस्टिंग होगी, हम लोग 6 दिन के बाद आपके पूरी फैमिली मेम्बर्स जो भी घर में है अभी एक्सेप्ट योर मम्मा, उनकी हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे। तो वी वर फाइन। तो 6 दिन बाद 7th day को MBMC वाले आए थे, वो डायरेक्टली सबर्बन से आए थे क्योंकि उनका टाइप था MBMC का, एंड वी डिड नॉट हैड टू पे एनीथिंग फॉर आर टेस्ट। मम्मी का जो हुआ था फॉर दैट वी पेड 2500, बट हम लोग का जो था वो MBMC की तरफ से था, तो वो फ्री था।
हम लोग का भी स्वॉप टेस्ट हुआ और स्वॉप टेस्ट में हम लोग थोड़ा डर रहे थे, बट इट वाज ऑल फाइन। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया कि मैं और मेरा भाई जो है वो पॉजिटिव आए थे। तो क्योंकि हमें पता था कि पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि खुशबू नहीं आना और ये काफ़ी बड़े सिम्टम्स है, ये वीकनेस आना, बुखार नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन अगर आपको खुशबू लेने में दिक्कत आ रही है, टेस्ट आने में दिक्कत आ रही है, तो आप कोरोना पॉजिटिव हो सकता है 99.99%। तो हम दोनों को पॉजिटिव आया एंड अभी हम टेंशन में थे कि अब हम क्या करें। तो हमें लगा कि हमें घर में ही रहना है, होम क्वारंटीन है, बट तभी वी केम टू नो कि हमें होम क्वारंटीन अभी अलाउड नहीं है थाने में। तो MBMC से कॉल आने लगे कि मैम हम आपको कभी लेने आए, और मैं थोड़ी डर गई थी क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, वर्कआउट पे ध्यान देती हूँ। तो मुझे पहले सबसे पहले यही क्लिक हुआ कि अरे बाप रे, अभी मेरा डाइट बंद हो जाएगा। बट हमें जाना ही था, हमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था वो लोग ने। वो बोले कि आपको कैसे भी करके आना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे फूड मिलेगा। एंड आई मेड माई माइंड कि इट्स ओके, इट हैपन्स समटाइम्स इन आर लाइफ, पॉजिटिविटी से मुझे काम करना है। तो वो लोग हमको एम्बुलेंस में लेने आए, मुझे और मेरे भाई को, एंड हम लोग काफ़ी सामान लेके गए थे, खाने पीने का, नाश्ता, हमारे विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हम घर से ही लेके गए थे, क्योंकि मैं और मेरा भाई 2-4 साल से ले ही रहे थे जस्ट फॉर अ गुड इम्यूनिटी एंड गुड हेयर, गुड स्किन। तो वो सब हम हमारे साथ में लेके गए थे, मैं अपना वर्कआउट का सामान, दुआ मैट और ये सब लेके गई थी। फिर जैसे ही हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे अच्छा खासा क्लीन रूम्स थे, 3 times डॉक्टर आते थे, 2 times रूम क्लीनिंग होती थी, और कैटल भी दिया गया था वहाँ पे, हम गर्म पानी करके अपने हिसाब से पी लेते थे। लेमन्स और एप्पल साइडर विनेगर हम लेके गए थे, तो वो भी हम वहाँ पे यूज़ कर लेते थे। और जब हम यहाँ से गए तभी थोड़ा थोड़ा सा वीकनेस था, और बुखार जो आया था एक दो दिन जब मम्मी गई थी उस दौरान जब आया था, वो वाला बुखार अभी हमको बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 8 डे तक वी वर ऑल फाइन, सिर्फ टेस्ट और जो स्मेल फ्रेग्रेंस आना बाकी था वो बाकी था। तो इट वॉज़ फाइन, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे बस थोड़ा रेस्ट करते थे ज़्यादातर, और मैं अपना योगा कर लेती थी, थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार कर लेती थी, और जो खाना वहाँ पे आता था वो भी काफ़ी अच्छा था। और डॉक्टर्स ने हमको वहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल दे दिया कि इफ़ इन केस आपको बुखार जैसा कुछ लग रहा है तो आप ये दवाई को यूज़ कर सकते हो। और मेरे भाई को थोड़ा कफ था, तो उन्होंने कुछ कफ सिरप भी दे दिया था उनको, ताकि अच्छी नींद भी आ जाए और कफ भी चला जाए। और हाँ, वो वाला जो सिरप था पिंक कलर का, वो काफ़ी हेल्प किया था। पता नहीं वो कौन सा सिरप था, तो शायद अगर किसी को भगवान ना करे कोरोना हो, लेकिन आपको अगर होता है तो आप ध्यान दें कि ये वाला जो सिरप वो लोग देते हैं, ये एरिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल, वो काफ़ी काम आती है कोरोना में। और गर्म पानी का सेवन ज़्यादातर हम लोग करते थे, और वहाँ पे केटल में हम लोग स्टीम भी लेते थे। और घर में भी जब हम क्वारंटीन थे आफ्टर मम्मा वेंट टू हॉस्पिटल, उसके बाद भी हम लोग दिन में 2 बार स्टीम लेते थे, हम सारे फैमिली मेम्बर्स। तो स्टीम भी हमको काफ़ी हेल्प हुआ, तो वहाँ पे हम लोग के जो दिन है काफ़ी अच्छे निकल गए। बस हम लोग का 9 दिन का वहाँ पे क्वारंटाइन था, तो 9 डेज निकल गए, डॉक्टर्स आते थे, चेकअप होता था, सब रेगुलरली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, वीकनेस भी नहीं थी, वी वर टोटली फिट एंड फाइन। क्योंकि हमारी एज जो है वो अभी पूरी यंगस्टर्स है, वी आर मतलब 35 तक तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, और हमको भी नहीं आई प्रॉब्लम। और 10th डे को हम लोग घर पे आ गए थे सुबह 11 बजे, और मेरी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में 7 डेज रही थी, उसके बाद वो भी घर आ गई थी। तो हम जब आई तब हमको मिली, बट मम्मी जो है वो और 10-12 डेज तक क्वारंटीन रूम में, अपने रूम में आइसोलेशन कर रही थी, खुद को आइसोलेट करती थी, आइसोलेशन में थी। और हम लोग जो है हमको और 7 डेज का होम क्वारंटीन बताया था, तो वहाँ पे 9 डेज रुके और घर पे आकर के 7 डेज का क्वारंटीन हमको बताया था। तो हम लोग घर पे रहे, और उसके बाद भी हम स्टीम लेते थे, और विटामिन सी, ई, जिंक ये हमने चालू रखा, और अभी भी हम चालू ही रख रहे हैं। मेरा तो वैसे बहुत सालों से चल रहा है, तो आई थिंक हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो बस यूं ही तरह हम लोग का जो है, मेरा टेस्ट 12th to 13th day को मेरा टेस्ट वापस आने लगा, खुशबू भी वापस आने लगी, और हमको कोई भी डर नहीं लगा था, मुझे और मेरे भाई को। हाँ, अगर सीनियर सिटीज़न है तो उनको काफ़ी रिस्क हो जाता है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेने से बेटर है हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। और कई यंगस्टर्स को भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, गॉड फॉरबिड हमें कुछ नहीं हुआ था। और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो बस कहना ये है कि उनको स्टीम लेते रहना है, और घर के बाहर तब निकले जब ज़रूरत हो, जब आवश्यक हो। तो
दोस्तों कोरोना से ना डरे, अगर आप डर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ना डरे। अगर आप डर रहे हो तो बस इतना ध्यान रखें कि मास्क पहने, ग्लव्स पहने और गर्म पानी का सेवन करें, स्टीम लेते रहे, जैसे बाहर से आइए नहाए, कोई भी चीज़ को ना टच करें, सबसे मेन है आप सैनिटाइज करें। तो दोस्तों पॉजिटिविटी से ये गेम खेली जा सकती है, और अगर आप पॉजिटिविटी से काम लोगे तो आप कोई भी गेम है वो जीत सकते हो। तो दोस्तों कोरोना को एक गेम के जैसे गेम की तरह हम ले सकते हैं, जिसमें कि जीत सिर्फ हमारी होगी, हमें उसको लड़ना है, लड़ते रहना है और बस हमें जीत करके वापस आना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादातर शेयर करें, अवेयर ताकि अवेयरनेस बढ़े और लोगों तक मेरा ये एक्सपीरियंस पहुँचे।